जोधपुर से लोकसभा प्रत्याशी करण सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। भाई साहब, किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनाव में उतरे हैं? विकास नंबर दो, विकास नंबर तीन, विकास। ऐसे वो कौन से काम है जो आपको लगता है कि 10 साल में होने चाहिए थे लेकिन वो नहीं हुए? पानी का मुद्दा, पानी के मंत्री होते हुए पानी नहीं दे पाए मारवाड़ पूरे में। हम उम्मीद कर रहे थे नहर आएगी, नहर को तो छोड़ो, पानी नहीं पिला पाए। सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है। दूसरा मुद्दा युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना का है। तीसरा मुद्दा यहाँ सबसे बड़ा पर्यटन में कुछ नयापन नहीं हुआ है, तो पर्यटन के क्षेत्र में कुछ काम करने का है। चौथा मुद्दा यहाँ अंडरग्राउंड पानी की भारी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन करने का है। और छठा मुद्दा, आप यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को, नई इंडस्ट्रीज़ को ला के डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, वो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। दो मुद्दे मंत्री जी के हैं, एक तो एलिवेटेड रोड का है जो हमेशा ही मुद्दा बनता है इलेक्शन के समय, और एक आपका जोजरी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का है। वो मंत्री जी के, उनको भी एनालिसिस कराएंगे, वो भी टेक्निकली फिजिबल हुए तो उसमें भी काम करेंगे अगर मैं जीता तो। भाई साहब, एक विशेष बात यह है कि बीजेपी पिछले कई सालों से राम मंदिर के नाम पे बात कर रही है और इन लोकसभा चुनाव में भी राम का नाम काफ़ी हावी है, इसको आप कैसे देखते हैं? यहाँ कोई राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, यहाँ तो प्रभु श्री राम तो कण कण में है। मेरा तो मानना है, हे प्रभु श्री राम, अगर मैं आपके नाम को लेते हुए मन में कुटलाई रख के वोट लेने की राजनीति कर रहा हूँ, हे प्रभु श्री राम मेरे को पूगना, और नहीं तो कोई दूसरा कर रहा तो उसको पूगना। यहाँ भगवान श्री राम का खाता नहीं, यहाँ तो सीधे सीधा खाता है, चक्के ही लगते हैं। उसके नाम को मन में कुटलाई रख के सिर्फ राजनीतिक रूप से यूज किया जा रहा है, ये प्रभु श्री राम मेरे को और मेरे परिवार को नष्ट करना, नहीं तो जो कर रहा है उसको करना। भाई साहब, मान लीजिए आप यहाँ से एमपी आप बन जाते हैं और लेकिन सरकार बीजेपी की आती है, तब इस पूरी चीज़ को आप किस प्रकार से सामंजस्य बिठाएंगे? देखिए, सरकार में विपक्ष अगर मजबूत आएगी, क्यों बीजेपी कहाँ से आएगी? बीजेपी तो गई, अगर आती है तो सब देखेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, ये काम इनसे रेस्पेक्टफुली कहेंगे, पब्लिक के काम में करना पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक को लेकर सड़कों पर उतरेंगे, इनको सड़कों पर नहीं चलने देंगे। हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि कल अब प्रचार खत्म हो जाएगा, क्या आप कहना चाहेंगे? मैं उम्मीद करता हूँ आपके चैनल से मेरे सभी दर्शकों को कि मैंने 25 साल तक यह सामाजिक सेवा में मैंने करी है आप जनता की। वर्तमान सांसद मौने 10 साल में 0 काम किया है, उनको आपने 2 बार मौका दे दिया, एक बार आप मेरे को मौका देखो, मैं आपके हर सुख दुख का साथी रहूँगा। मैं एक ऐसा सेवा केंद्र, सांसद सेवा केंद्र स्थापित करूँगा जिसमें हर कोई आदमी जिसके मुँह में जबान नहीं है उसकी जबान बन के मेरा स्टाफ और मैं बोलेंगे और उनके काम कराएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ करण सिंह जी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ये जीतते हैं तो सबसे पहला जो ये काम करेंगे वो सांसद सेवा केंद्र बनाने का करेंगे, ताकि वो लोग जिनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, ये उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे और उनके हर वो काम जो ज़रूरी हैं उन्हें पूरा करवाएंगे। और 10 साल आपने एक जने को मौका दिया है, करण सिंह जी का साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक बार आप हमें भी मौका दे के देखिए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।